हिब्रूस दूसरे अध्याय का पद संख्या 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मैं इसको दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा। इसलिए हम और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भटकने ना पाए। इसलिए हम ध्यान देकर सुने, ठीक से सुने, केयरफुली सुने, ताकि हम भटक नहीं जाए, हम ड्रिफ्ट नहीं हो जाए। हम क्लोज अटेंशन से सुने, जो बातें हमने सुनी है उस पर ध्यान दे, ताकि हम भटक नहीं जाए। और तीसरी पंक्ति कहती है कि अगर हम इतने महान उद्धार को नेग्लेक्ट कर देंगे, भुला देंगे, तो हम कैसे बच पाएंगे। आज का मैसेज का नाम है ध्यान दो। मेरे साथ बोलेंगे ध्यान दो, पे क्लोज अटेंशन। जब हम मार्केट गए, एक शॉप में एक आदमी बाइबल अपनी पढ़ रहा था, बहुत सीरियसली अपनी बाइबल पढ़ रहा था। तो मुझे देख के याद आया कि जब प्रभु को जीवन दिए, यही जीने का तरीका था, जहां परमेश्वर का वचन सब समय पढ़ते रहना, सब समय उस पर मन लगाना, सब समय उस पर ध्यान देना। हम लोग को एक रिवाइवल चाहिए वचन का, ताकि हम वचन पे दिन रात मनन करें। तो वचन कहता है कि इस बात के लिए ध्यान दो, इसको नेग्लेक्ट मत करो, इसमें चौकन्ने रहो, कि जो उद्धार का मैसेज तुमने सुना है तुम उसको भूल नहीं जाओ, ताकि तुम उससे भटक नहीं जाओ, उस सत्य को पकड़ के रखो। ध्यान दो इसका मतलब क्या है, कि उस पर मन लगाओ, उस बारे में सोचो। मेरे को कोई भी काम करना होता मैं कैसे करता हूं मालूम है, मैं उस बारे में सोचता रहता हूं। जब तक उस काम को अंजाम नहीं दे दूं, मैं उस बारे में सोचता रहूंगा। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जिस उद्धार को हम जानते हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हम ड्रिफ्ट कर जाएंगे। ड्रिफ्ट होता है कि हम उससे हट जाएंगे, उस मार्ग से हट जाएंगे। कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जिसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नीति वचन 2 का पद संख्या 4 क्या कहता है, परमेश्वर के राज्य के खोजी कैसे रहना है। यदि तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है। मतलब जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें परमेश्वर का खोजी कैसे बनना है, जैसे कोई खजाना खोजने वाला खजाने को खोजता है। जब कोई खजाना खोजता है वो पूरी मेहनत लगाता है, पूरा ध्यान देता है, जब तक उसको वहां तक वो नहीं पहुंच जाए जहां खजाना पड़ा है। इसका मतलब विश्वासी जीवन में हम अपना मन कहां लगाते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। निरंतर परमेश्वर के वचन पे मन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। आप वचन खाली पढ़ते नहीं है, वचन का समझना जरूरी है, और समझने के लिए वचन पे मन लगाना जरूरी है। ये लाइफस्टाइल हम लोग को एक्सेप्ट करना है, जिस लाइफस्टाइल में हम निरंतर परमेश्वर की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उस सेल्वेशन को ध्यान दे रहे हैं। घर में कोई भी चीज पड़ी है जिसपे ध्यान नहीं दो तो थोड़े टाइम पे धूल लग जाएगी, थोड़े टाइम पर खराब हो जाएगी। लाइफ में कोई भी चीज जो इग्नोर्ड हो जाए वो चीज खराब हो जाती है। कई लोग अपने सैल्वेशन को इग्नोर कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि ठीक है हम ग्रेस से सेव्ड हैं तो हम इस पे ध्यान नहीं दे, लेकिन वचन कहता है ध्यान दो ताकि तुम उस मार्ग से भटक नहीं जाओ।
मतलब ध्यान देना, उस पर मन लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या सोच रहे, ये जिम्मेदारी आपकी है, सही बात है, लेकिन वचन कहता है जैसा आदमी सोचता है वैसा वो है। जो आप सोच रहे हैं आप और हम वही कर रहे हैं। लाइफ तब तक चेंज नहीं होती जब तक सोचने का पैटर्न चेंज नहीं होता। अगर उद्धार की ये बातें निरंतर हमारे मन में नहीं है तो हमारा मन दूसरी बातों में लग जाएगा, हम उस उद्धार के रास्ते से भटक जाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक वचन हम जिसे सुन रहे हैं, ये वचन जब हम सुनेंगे हम इस पे ध्यान देंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम इसको याद करेंगे, हम कभी दिन में कहीं बिजी हो गए तो याद आएगा कि ध्यान दो उन बातों पर जो तुमने सुनी है, फिर हमको याद आएगा नहीं मेरी लाइफ की प्रायोरिटी तो ये नहीं है। ठीक है, हम लोग को संडे क्रिश्चियन से थोड़ा ज्यादा बनना है। विश्वासी जीवन में जीसस सेंटर है, जीसस को एक पार्ट नहीं है जहां आप संडे अपनी हाजिरी देने आ जाए, नहीं नहीं नहीं, यीशु जीवन का केंद्र है, सारी बातें उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो वचन कहता है फिर हम कैसे बच पाएंगे अगर हम इस सेल्वेशन को नेग्लेक्ट कर दे तो। कोई भी चीज लाइफ में नेग्लेक्टेड हो उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। जो चीज लाइफ में नेग्लेक्टेड है उसके रख रखाव जब नहीं होता है वो चीज बेकार हो जाती है। कई लोग भटकते इसलिए क्योंकि उनका माइंड अप्लाइड नहीं है परमेश्वर के उद्धार में। विश्वासी जीवन कोई ऐसा नहीं है आंख बंद कर लो दुनिया से भाग जाओ पहाड़ पे जाके आंख बंद करके शून्य पे मनन करो जाप करो, नहीं नहीं नहीं, विश्वासी जीवन है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ओढ़ लो, उस पर ऐसा मनन करो कि वो वचन जीवन में ढल जाए। तो जो लोग उस सेल्वेशन को इग्नोर करते हैं, जो अपना माइंड प्रैक्टिकली उस चीज में अप्लाई नहीं करते, मतलब आप कोई बोलेगा हम वचन पढ़ते मन नहीं लगता, मन लगता नहीं, मन लगाना पड़ेगा, मतलब मेरी सोचने की क्षमता मेरे को जानकर अप्लाई करनी है, मेरे को सोचना उस बारे में। और मरियम इन बातों के बारे में सोचती रही, हम उसी बारे में सोचते रहते हैं। देखो कुछ लोग चिंता में क्यों रहते हैं, सब समय पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। परमेश्वर से पैसे चाहिए तो पैसे के बारे में मत सोचो, वैसे ही आते हैं। अगर परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए और तुम सब समय पैसे की सोचो तो ब्लेसिंग नहीं मिलती। सबसे में पैसे के बारे में सोचने से चिंता होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर वो पैसे के लालच में हम ऐसे काम करते जो उनको नहीं करने चाहिए, फिर पैसा मुख्य चीज हो जाती है। तो जितने लोगों की लाइफ में टेंशन है उनके लाइफ में सब समय फोकस पैसा, वो पैसे के बारे में नहीं, प्रभु के बारे में सोचो, वचन पे फोकस करो, जो बातें तुमने सुनी है उस पर ध्यान दो, उस पर मन लगाओ, अपने माइंड को उस पर अप्लाई करो, मतलब मेरी सोचने की क्षमता हम उसको कहां केंद्रित कर रहे हैं ये मेरे हाथ में। देखो जब हम प्रभु से प्यार करते हैं क्या होता है, हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन के बारे में बात करते हैं, प्रभु की चीजों के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का ध्यान परमेश्वर से हट जाता है उनकी बातों को देखो, 10 मिनट बैठ के उनकी बातों में दुनियादारी की बातें, इधर उधर की बातें, पैसों की बातें, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सुना उस पर ध्यान नहीं दिया और वो ड्रिफ्ट हो गए, वो थोड़ा सा अलग रास्ते चले गए। यहां सेल्वेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, उद्धार, महान उद्धार। बोला अगर हम इस महान उद्धार को दरकिनार कर देंगे, अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हम इससे कैसे बचेंगे फिर? मतलब हर विश्वासी को अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा परमेश्वर की बातों पर, उन वचनों पर जो हमने सुना है, उन पर विश्वास डालना है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। मतलब हमको अपने लाइफ में जगह बनानी है जहां हम परमेश्वर के वचनों पर मनन कर रहे हैं। उदाहरण, तू धन का लालच ना कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। अब अगर मैं इस पे बैठ के मनन कर रहा हूं कि प्रभु खबर धन का लालच मत कर, और उसका रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे और प्रभु मेरा चरवाहा मुझे भी, जब चरवाहा साथ में किसी को कमी नहीं हो सकती क्योंकि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, लालच मत करो। अगर हम इस वचन पर मनन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझेंगे नहीं, उसकी प्रकाशता नहीं मिलेगी, तब तक हम उस पर अप्लाई कैसे करेंगे जब तक हमको समझ नहीं आ रहा, और जब तक विश्वास नहीं मिल जाएंगे हमारे जीवन में उस वचन का प्रभाव कैसे दिखेगा। अगर इसी बात पर मनन करे कि जो उस पर भरोसा किया उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, जिसने उस पर भरोसा किया उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ा,
मुंह काला का मतलब क्या? शर्मिंदा होना, बेइज्जत होना। जितनों ने उस पर भरोसा किया, तो जब मैं इस वचन पर मनन करूं सके, क्या मेरा भरोसा मेरे अपने आप पर है? फिर मैं देखूंगा जीवन में बहुत सी हार इसीलिए कि हमने उसकी अगुवाई का इंतजार नहीं किया, हमने उस पर भरोसा नहीं किया। पानी पर लोग तब तक ही चलते हैं जब तक यीशु को देखते हैं, नहीं तो डूब जाते हैं। आमीन। आंखें जब हट जाती है, इसलिए वचन कहता है उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो। ये तरीका है फेथ में बढ़ने का, कि हम प्रभु का चेहरा देखें। जैसे आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको कोई काम करना है, आपकी लाइफ में कोई पड़ाव है, आप बैठिए बोलिए प्रभु कैसे करेंगे, प्रभु कैसे होगा। और मैं बोलता हूं कौन है जो बोलेगा कि हमने प्रभु पे भरोसा किया हमारा काम नहीं हुआ। कई लोग चाहिए अभी भी भरोसा किया, अभी भी काम ऐसे नहीं होते, प्रभु बस हार्ट फेल होने से बचाते, बस लगता नहीं होता, लगता नहीं होता है, लेकिन नहीं होते होते बात बन जाती है। आमीन। क्यों? ताकि इंसान का भरोसा अपनी काबिलियत पर, अपनी ताकत पर, अपने रिसोर्सेस पर कभी नहीं रहे। मैं बोलता देखिए ईमानदारी से समझिए इस बात को, जितने लोग ईमानदारी से अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हैं, उन सब के लाइफ में घटी कमी एक बार जरूर आती है। क्यों आती है? ताकि हम भरोसे का सिस्टम सीख ले। तो जब हमको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम होगा, हम परमेश्वर के सिंहासन को अप्रोच भी कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु कैसे आप, बहुत दिन बाद मिले, तब ठीक है ना, और प्रभु खाना ना खा लिए, भोजन हो गया, क्या बात करेंगे आप? जब तक परमेश्वर का वचन उसके चरित्र, उसकी सोच को प्रकट करता है। अगर आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा, आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? इन दोनों बातों का फर्क समझिए। प्रार्थना करना और प्रार्थना का जवाब पाना बहुत अलग चीज होती है। जवाब वही पाते हैं जिनको मालूम है गॉड को कैसे अप्रोच करना है, गॉड की विल क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमेन। तो अगर आज चिंता लाइफस्टाइल नहीं है तो कैसे है? क्योंकि वचन पर मनन करके वो इतना गहरा चला गया कि अब वो लाइफस्टाइल बन गया। तो हमारा मन कहां लग रहा है, ये हमारे हाथों में है, और विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने मन को उस उद्धार में लगाए, उस सत्य में लगाए। और मरियम इन बातों के बारे में सोचती रही। क्या हम आज मन बनाएंगे कि हम आज से परमेश्वर के वचन को और मन लगा के पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे? इसलिए मैं लोगों से पूछता, बहुत ज्यादा मत पढ़ो, एक दिन में उतना पढ़ो जो तुम दिन भर सोच सकते हो। हमको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमको इन सत्य को समझाइए, मेरे को रेवल्यूशन दीजिए, मुझे प्रकाश ना दीजिए। उस अंधेरे में प्रभु आप लाइट जला दीजिए। तो जब अंधेरे रूम में बैठे आपको नहीं मालूम टेबल कहां है, सोफा कहां है, कुछ नहीं मालूम, जब लाइट जल जाएगी सब दिख जाएगा। आमेन। और मालूम होना क्या होता है? इट मींस मेरे आत्मा में हम कुछ जानते हैं। देखो दिमाग से कुछ जानना और आत्मा में कुछ जानना बहुत फर्क है। जिसको प्रकाशना मिलती है उसको आत्मा में मालूम है कोई बात, और जब कोई बात आत्मा में मालूम होती है उसका प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ता है। जो बात दिमाग में मालूम होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि दिमाग है, दिमाग किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है, दिमाग उस पर रीजनिंग कर सकता है, तर्क कर सकता है। लेकिन जब कोई बात आत्मा में प्रकट है, मतलब रेवलेशन है किसी बात की, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर इन वचनों की हमको समझ दीजिए, हम जो वचन पढ़ रहे हैं हमको उसकी समझ दीजिए। और उसमें कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ नहीं होता है। जितना लोग पढ़े लिखे हैं उतने ज्यादा अनपढ़ आज के टाइम, परमेश्वर के राज ज्यादा पढ़े लिखों के लिए नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि गांव में जो लोग हैं उनका दिमाग कम है, कई लोग सोचते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनका दिमाग कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बदमाशी में देखो पूरा चलता है, पैसे में देखो पूरा चलता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे मन लगाएगा, मतलब अगर ये वचन स्वर्ग से आया तो इसकी जगह मेमोरी में होनी चाहिए। मतलब हम जब तक किसी बात पे मन नहीं लगाएंगे, जब तक किसी चीज पे मनन नहीं करेंगे, तब तक वो बात ना हम समझेंगे ना वो मन में समाएगी। और जो बात मन में नहीं समाई है, आज नहीं तो कल उसको हम दरकिनार कर देंगे। तो जो लोग बैकस्लाइड होते हैं वो एक दिन में नहीं होते ना। देखिए पहले लाइफस्टाइल क्या होता है, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, प्रभु के लोगों से संगति करते हैं,
दिमाग में यही बातें रहती हैं। तो आप जब देखेंगे जो लोग बैकस्लाइड किए, फर्क क्या हुआ? लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कैसे हुआ? उनके मन में अब कुछ और है, उनका ध्यान कहीं और है। ये इस सत्य को खो देना लाइफ में बहुत भारी पड़ेगा, यह आत्मा के लिए घातक है। गॉस्पल डिमांड करता है हमारा अटेंशन। आमेन। क्या हम सच्चे रूप से परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाए? जहाज जब किनारे लाते हैं तो एक चीज होती है एंकर, रस्सी से एक भारी लोहा इस शेप का होता है, ऐसा शेप होता है, उसको छोड़ा जाता है, वो सीधा नीचे जाता है और जहां तक उसको जगह मिलती है, जब तक जमीन तक नहीं आ जाए वो नीचे, वो जमीन तक आता है और वो इतना भारी होता है कि वो जिस रस्सी से जहाज और वो जुड़े हुए हैं, अब वो ऐसा है कि जहाज अब इधर उधर नहीं जा सकता, जहाज वहीं रहेगा। तो हमको तब तक ये जीवन का पैटर्न ऐसे होना कि वचन ऐसा मनन हो, उद्धार पे ऐसा मनन हो कि लाइफ मसीह पे एंकर्ड हो जाए, उसके सत्य में एंकर्ड हो जाए। आमेन। और कितने लोग समझते स्कूल ऑफ फेथ इसके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, वो लाइफ का पैटर्न, वचनों पर मनन करना, प्रार्थना का जीवन, प्रभु की संगति, प्रभु के लोगों की संगति, ये लाइफ स्टाइल जब हम सीख लेते हैं। तो वचन के रहस्य कुछ लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि अटेंशन नहीं पे करते, ध्यान नहीं देते। जब जो ध्यान देगा वो रहस्य को जानेगा। आप अगर कोई बात वचन की आपको प्रकाशना मिल जाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अधिकतर लोगों की पैसे की अगर तकलीफ है, आप अगर वचन पढ़ रहे हैं पैसों के बारे में, अगर आपको उसका प्रकाशना मिल गई, आपकी लाइफ सेम नहीं रह सकती, उसका इंपैक्ट आपके पूरे जीवन में होगा। आमेन। और अगर यही लाइफस्टाइल रहा तो लाइफ के हर क्षेत्र पर उन वचनों का प्रभाव होगा, क्योंकि अब आत्मा में बहुत सी बात हम जानते हैं। तो जो लोग उस पर ध्यान देते हैं, मन लगाते हैं, वो मिस्ट्रीज में चलते हैं। फिर तुम देखो, आप किसी के जीवन को देखोगे, आप बोलोगे कैसे कर लेते हैं, मिस्ट्री है, क्योंकि उनको कुछ बात मालूम है जो आपको नहीं मालूम। आमेन। उनको कोई बात मालूम है जो आपको नहीं मालूम। बोलो हम कैसे पता करें? आप उन वचनों को लीजिए और आप उन पर ध्यान दीजिए। तो पुराने विधान में जो वचन था क्या था? परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 4:5-6, व्यवस्था विवरण 5:32-33, इसमें क्या बोला है? कि जो भी आज्ञाएं मैंने तुमको दी है तुम उसको याद रखो, उसको लिखो, उस पर मनन करो, उसको रिपीट करो, उसको याद करो। ये पुराना विधान है। इब्रानी की पुस्तक की शुरुआत कैसे होती है किताब की? कि पिछले दिनों परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, नबियों और विभिन्न प्रकार से बात की, लेकिन इस अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की। यह गॉड की, परमेश्वर की हाईएस्ट रेवलेशन है, परमेश्वर की सबसे ऊंची प्रकाशना जो उसने अपने पुत्र के बारे में दी। आमेन। और पुराने विधान के जो नियम थे उनको भी अगर कोई ना माने उनकी सजा थी। तो अगर हम इस महान उद्धार को दरकिनार कर दे, इसको नेग्लेक्ट कर दे, तो हम कैसे बच सकते हैं? मतलब उनको था कि जो तुमने सुना है उससे कुछ बदलोगे नहीं, उस पर दिन रात मनन करोगे, वो तुम्हारे मन से जाना नहीं चाहिए और फिर तुम आशीषित होगे। और अगर कोई उसको दरकिनार करे, कोई उसको नेग्लेक्ट करे, उनके लिए सजा थी। तो ये महान उद्धार अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं? और नेग्लेक्ट का मतलब क्या? किसी चीज का आप ध्यान नहीं दे रहे, किसी रिश्ते पर ध्यान मत दीजिए, देखिए रिश्ता नहीं चलेगा। घर में किसी चीज पर ध्यान मत दीजिए, देखिए वो चीज खराब हो जाएगी थोड़े समय में। लाइफ में जिस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे, मिसा बोली नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का सीधा उदाहरण में इग्नोर करना। जैसे आप चार जनों के बीच में गए, उसमें से एक से आप नाराज है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो सामने वाला आके सोचेगा कि हम भी तो वहां थे लेकिन उस व्यक्ति ने हमसे बात नहीं की। इसको नेग्लेक्ट करना बोलते हैं। ध्यान दो। वही लोग बैकस्लाइड की जो नेग्लेक्ट करती है, जो ध्यान नहीं दिए। अब आप दिमाग में कुछ और है, अब मन में कोई और बातें हैं, अब कुछ और चल रहा है मन में, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और वचन क्या कहता है? कि हम कहीं भटक नहीं जाए, हम ड्रिफ्ट नहीं हो जाए। फिलिप्पी में जब पॉल जेल में था तो
जब वो प्रार्थना कर रहे होते रात को, आराधना कर रहे होते, जेल टूट जाती है, तो जेलर क्या पूछता है, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? ऐसी हम लोग को पूछना होगा, हम भटकने के लिए क्या करें? इग्नोर करो। पूछो हम प्रभु से दूर होने के लिए क्या करें? इग्नोर करो। मतलब अगर आप दिल चीजें बोला प्रभु प्रभु से दूर होने के लिए क्या करें, सिर्फ इग्नोर करो। जब इग्नोर करेंगे देखेंगे धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। जो बातें पहले महत्व रखती थी अब महत्व नहीं रखती। लेकिन जब जीसस में लाइफ एंकर्ड है तब भटकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वचन कहता हम कैसे बच सकते हैं, फिर हम कैसे बच सकते हैं जब हम इस महान उद्धार को नेग्लेक्ट कर देते। मसीह जो परमेश्वर की प्रकाशना की सबसे ऊंचाई है, ये वो व्यक्ति जो स्वर्गदूतों से, मूसा से, जो महायाजकों से सबसे महान है, सबसे ज्यादा महान है, जिसके अधीन सारी प्रधानताएं हैं, यदि हम उसके उद्धार को नेग्लेक्ट कर दे तो पूछिए हम क्या करें। नंबर वन, हमारा एम कहां है उस पर ध्यान दे। हमारा ध्यान कहां है, हम किस जगह फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान दे। एम क्या है, पूछे एम, एम है मैं प्रभु जैसा बनूं। आमेन। जिसका एम ठीक नहीं है वो क्या करे, वो अपना एम ठीक करे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ रविवार कलीसिया जाना चाहते हैं। नहीं, नहीं नहीं, लाइफ उससे ज्यादा है। हमारा एम है हमको मसीह जैसा बनना है। और लाइफ में किसी और चीज के पीछे हम अगर भागने लगेंगे हम भटक जाएंगे, हमारा जीवन फलदायक नहीं रहेगा। और फिर कोई भी काम हमको मदद नहीं करेगा ताकि हम इस जगह फलदायक हो जाए। पहले एक स्टूडेंट था, आज से कई साल पहले, एक दिन हम उसको बोले कि हम बोले संडे चर्च, बोला भी चर्च तो घर से बहुत दूर है। हमने उसको क्या बोला, बोले खा पी के मुश्तंडे हो गए हो, तुम पहले पतले से थे, तुम्हारे पास पॉकेट में पैसे नहीं थे, तुम दो तीन बस बदल के कलीसिया जाते थे, आज तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, सारी सुविधाएं हैं, आज चर्च दूर है। कई लोग जब लाइफ में शांति आती है प्रभु को भूल जाते हैं। कई लोग की लाइफ में जब तकलीफें होती है प्रभु को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन तकलीफों सताओ का वो आंसर खुद खोजने की कोशिश करते हैं। कई लोग दुनियादारी में ध्यान देते हैं प्रभु को भूल जाते हैं। कई लोग सीक्रेट सिन के कारण प्रभु को भूल जाते हैं। क्योंकि आप प्रभु और सीक्रेट सिन, गुप्त में किया हुआ पाप, दोनों को साथ में संभाल नहीं सकते, उसमें से एक को जाना होगा। पर आपको चुनना है आपको क्या रखना है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? सीक्रेट सिन, जो गुप्त में किया पाप, वो लगता बहुत अच्छा है, उसका आनंद बहुत आता है, लेकिन बाद में वो कड़वा हो जाता है। अगर आप उसको संभाल के रखना चाहते हैं आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उसके उद्धार से दूर हो जाएंगे। दोनों में से एक को जीवन से जाना होगा और रहेगा वही जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं। कई लोग झूठी शिक्षाओं के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पहली चीज में क्या करूं, ठीक अपना एम, आमेन, अपना उद्देश्य। मैं सब बोले उद्देश्य। तो हमको आज जब प्रार्थना करेंगे हमें तीन विषयों में करेंगे। पहली चीज क्या, मेरा उद्देश्य। आज से मन बनाएंगे यही मेरे लाइफ का उद्देश्य है, आमेन। अब एक बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता, उसका एम क्या है, डॉक्टर बनना है। वो सारे काम क्या करेगा, उसको डॉक्टर बनना है। वो कौन सी फील्ड चूज करेगा, उसको डॉक्टर बनना है। इसलिए कौन सी किताबें पढ़ेगा, डॉक्टर बनना है। जिसको आईएएस बनना है वो सब समय कौन सी फील्ड को चूज करेगा, वो किस कौन सा ट्यूशन लेगा, उसकी वो कैसे व्यस्त रहेगा, उसकी सारी बातों की उसको क्या करना है उसी में। तो विश्वासी ये क्यों नहीं समझते, अगर उद्धार हमारा एम जब तक नहीं है हम उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ेंगे, आमेन। नंबर दो, हमको हमारी मेहनत पे ध्यान देना और पूछना अपने आप से, क्या मैं सही में इस विषय में मेहनत करता हूं? क्या मैं वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, संगति में, कलीसिया में, और खासकर आज जब वचन की बात है, क्या मैं वचन पढ़ने में मेहनत करता हूं? और मैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम पूरे चर्च को, मुझे आपको सबको इसका पश्चाताप करना है। कितने लोग ईमानदारी से बोलेंगे हाँ इसका पश्चाताप करना है, हमको मेहनत करनी है। बिकॉज बिना मेहनत के फल कैसे मिलेगा? जब तक हम वचन लेके बैठेंगे नहीं, हमको वचन समझ कैसे आएगा, वचन याद कैसे होगा? पहला तो अपने उद्देश्य को ठीक करना, दूसरा अपनी मेहनत को ठीक करना। क्या मैं अपनी पूरी शक्ति इसमें लगा रहा हूं? क्या मैं वचन का स्टूडेंट हूं?
क्या मैं परमेश्वर के मन को खोज रहा हूं ताकि मैं उसके भेदों में आगे बढ़ूं? क्या मैं वचन को विश्वास से मिला रहा हूं? तो हम सबको अपने मेहनत पे ध्यान देना है। नंबर तीन, हमको अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस पे ध्यान देना है। क्या चीज हमको प्रभावित कर रही है? उसका मतलब होता है कि अपने दिल पे भी ध्यान देना है कि मेरे दिल को क्या चीज प्रभावित कर रही है। अपने चारों ओर देखना है कि मेरे जीवन को कौन सी चीजें प्रभावित कर रही है, कौन से सामर्थ्य है, कौन सी बातें जो मेरा ध्यान मसीह से हटा देती है। कई लोग बेचैन हो जाते हैं, कई लोग चिंतित हो जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं, कई लोग का मन भटक जाता है, कई लोग इसलिए भी दुखी हैं कि दुनिया तो वैसी चल रही है, प्रभु के आने का कोई साइन नहीं है, उससे भी थक जाते हैं लोग, कई लोग संघर्ष कर करके थक जाते हैं। देखिए, जैसे आदमी आलसी होता है ना, कई लोग का मन भी आलसी है, मन मोटे भी होते हैं, दिल भी मोटा होता है। हाँ, एक मोटा आदमी अगर शरीर का ध्यान रखता वो आलसी होगा, अगर वो ध्यान नहीं रखता वो आलसी होगा ना। क्यों? क्योंकि वो मोटा हो गया। मोटे आदमी को चलने फिरने में फर्क है, वो रिस्पॉन्ड देरी से करता है। मेरी बात समझ रहे? ऐसे मन भी कई बार मोटा हो जाता है, आलसी हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, थकान रहती है उसको। हम रिस्पॉन्सिबल अपने मन के लिए, क्योंकि जब मन ऐसे थका थका रहेगा हम उस सत्य को पकड़ के जिएंगे नहीं। फिर हमको देखनी है कौन सी ऐसी दोस्तियां हैं जो हमको गलत इन्फ्लुएंस करती है। कोई भी संगति जो मेरा मन मसीह से भटका दे, गलत चीजों में लगा दे, हमको वो दोस्ती। मेरे आंख के सामने कितने लोग हैं, मैंने कितने लोगों की दोस्तियां तोड़वाई है, कितनों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भिजवाया है, कितने लोगों को मैंने वार्निंग दी, इन लोगों से दूर रहो, गलत संगति में रह के आदमी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आप भावुक नहीं हो सकते ना, वो मेरा दोस्त है। नहीं, मसीह मेरा दोस्त है, प्रभु मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसके लिए त्याग करना नहीं सीखेंगे तो हम उसकी संगति में कैसे बढ़ेंगे? आपको मालूम है, कुछ लोगों के साथ आप बैठते हैं आप पवित्र आत्मा महसूस ही नहीं कर पाएंगे उनके साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा उस लोगों की उपस्थिति में नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा वैसी बातें पसंद नहीं करेगा, और पवित्र आत्मा को मालूम है वो संगति हमको भटकाती है। कुछ लोगों के साथ आप गॉड की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाएंगे, तो हमको वो संगति छोड़नी पड़ेगी। क्यों? मेरी लाइफ का एम है, मेरी लाइफ की मेहनत है, तो बिना सही प्रभाव के मेहनत और एम कैसे ठीक से काम करेंगे? हमको तो प्रभाव हटाने पड़ेंगे, हमको तो ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। फिर गलत बातें, एक आदमी जो बोलता है उससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। मेरे को तो 5 मिनट चाहिए, हम किसी के साथ बैठे हो 5 मिनट चाहिए पता करने के लिए आदमी क्या है। संगति में हम लोगों को जानते, लोग जब बोलने लगे समझ में आएगा इस आदमी के अंदर क्या है। गलत बातें, ईवल कम्युनिकेशंस, गलत बातें, या तो हम सुन रहे हैं, अगर आप सुनते रहेंगे तो आप बोलेंगे जरूर। मान के चले आप गाली नहीं देते, आपके अगल बगल में कोई है जो गाली देता है, आपने मन बनाया हमको नहीं देनी, नेक्स्ट आपको जब गुस्सा आएगा आपको गाली देने का मन करेगा, और हम गाली देना क्या करें? ऐसे तो लोगों से दूर रहो जो गाली देते हैं। आपको गंदी बात नहीं करना, आप क्या करो? ऐसे लोगों से दूर रहो जो गंदी बात करो, खासकर जो काम करते हैं, क्योंकि हर ऑफिस में, मार्केट में, हॉस्पिटल्स में, कोर्ट्स में, जहां जाओ दुष्टता का माहौल है। और अगर विश्वासी ये बात भ्रमित हो जाए कि हम इनके जैसे नहीं बनेंगे तो हम पैसे नहीं कमा सकते, ये विश्वासी भटक चुका है। तो जो ऐसी बातें करता है, जो बातें करने के मेरे तरीके नहीं है, हमको उनसे दूर रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम कुछ रिश्ते काट नहीं सकते, हाँ आपके बहुत नजदीक के रिश्ते आप काट नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा दूरी बना के रह सकते हैं। फिर बोलेंगे फिर तो हम पे आरोप लगेगा, हम घमंडी है, तो ठीक है क्या कर सकते हैं? मेरी लाइफ का जो एम है, एक आदमी को डॉक्टर बनना है वो सेक्रीफाइस करेगा, एक आदमी को लॉयर बनना है वो सेक्रीफाइस करेगा, एक आदमी को बिजनेसमैन बनना है वो सेक्रीफाइस करेगा। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है हम उसके लिए क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर सकते? कुछ लोगों ने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जिनके अंदर मसीह विरोधी आत्मा है। देखिए, आप कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं रख सकते जिसमें आप बोले जीसस को साइड रखते हैं। कई लोग कोशिश करते हैं और ये कोशिश बहुत बेकार होती है। आप कोई भी रिलेशनशिप में बोल नहीं सकते प्रभु आप यहां मत आइए, ये वाला छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपने पहले प्रेम को त्याग दिया। अगर हम उस रिश्ते में जहां जीसस नहीं है, अगर हम उन बातों में, उन दोस्ती में जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, कुछ जगह आप प्रेयर ही नहीं कर पाओगे कुछ लोगों के सामने उनके अगल बगल होने से। कई लोगों ने मसीह विरोधी लोगों से दोस्ती कर ली।
कई लोगों ने उनसे दोस्ती कर ली जिन्होंने मन बनाया इनको विश्वास से भटकाएंगे। आज तीन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। नंबर वन, मेरा उद्देश्य, आमेन। नंबर टू, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति कहां जा रही है। नंबर तीन, मेरे जीवन में क्या प्रभाव है।